उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के दंगों पर आधारित बॉलीवुड फिल्म द बर्निंग लव के स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए फरीदाबाद पहुंचे और एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित फिल्म मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव सेक्टर 22-23 में रहने वाले देव शर्मा मुख्य भूमिका अदा करेंगे। 17 नवम्बर को रिलीज होने वाली फिल्म के स्टार कास्ट शुक्रवार को निजी होटल डिलाइट में पत्रकारों से रूबरू हुए। फिल्म के एक्टर और टीम ने बताया कि वर्ष 2013 में हुए दंगों पर कई चीजें ऐसी थी जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ सकी। इस फिल्म के जरिए उन दृश्यों को सामने लाने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर के डीएम ने फिल्म के कई सीन को लेकर आपत्ति जताई थी, जबकि सेंसर बोर्ड के अनुसार उन्होंने कई दृश्यों को खुद ही काट दिया है। इस फिल्म के माध्यम से उनका उद्देश्य केवल जनता के सामने सच्चाई लाना है। 17 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म के स्टार कास्ट शुक्रवार को निजी होटल डिलाइट में पत्रकारों से रूबरू हुए। फिल्म के एक्टर और टीम ने बताया कि वर्ष 2013 में हुए दंगों पर कई चीजें ऐसी थी जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ सकी। इस फिल्म के जरिए उन दृश्यों को सामने लाने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर के डीएम ने फिल्म के कई सीन को लेकर आपत्ति जताई थी, जबकि सेंसर बोर्ड के अनुसार उन्होंने कई दृश्यों को खुद ही काट दिया है। इस फिल्म के माध्यम से उनका उद्देश्य केवल जनता के सामने सच्चाई लाना है। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे फरीदाबाद के लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा और इतने सारे जो प्यार आप लोग दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। बात करते हैं फिल्म की, तो फिल्म के जरिए एक बहुत ही बेसिक मैसेज है जो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों तक पहुँचे, वो ये है कि हम सब पहले इंसान हैं और इंसानियत के बाद धर्म आती है, जात पात आती है और बाकी चीज़ें आती हैं। और ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी एक धारणा रही है, उनका एक माइंडसेट था, लेकिन अब जो हम यंगस्टर्स हैं, जो आप और हम आज के जो यंग जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, मैं चाहता हूँ कि जो हम हमारे फिल्म के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें बाद में, अगर मुझे आपका इंटरव्यू अच्छा लगा तो मैं बोलूँगा यार कमाल का इंटरव्यू लिया है आपने, मैं ये नहीं पूछूंगा अरे ये मुस्लिम है कि हिंदू है फिर तारीफ करूंगा, मैं डायरेक्ट बेधड़क तारीफ करूंगा, क्योंकि आपके काम से आपकी पहचान है, ना कि आपके मजहब से। वही चीज़ हमारी फिल्म के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि हम पहले इंसान हैं और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाद में आता है, तो हमें इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि धर्म और जात पात को। फेवरेट डायलॉग जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सुनाया था, एक बार फिर सुना देता हूँ कि क्या है, चाहूं तो मैं आपके वर्दी पे, चाहूं तो वर्दी जो आप पहने हुए हैं इसको उतरवा सकता हूं क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी पे शराब पी है, लेकिन क्या है ना, हमारे मुजफ्फरनगर में कुत्तों के पेट पे लात नहीं मारी जाती, उन्हें प्यार से समझाया जाता है।